समय तक हेडफोन ईयरबड्स इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको भी घंटों घंटों इस्तेमाल करने की आदत लग चुकी है? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, वरना आपकी हालत भी अलका याग्निक जैसी हो जाएगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि 90 के दशक की मशहूर गायिका अलका याग्निक को सुनाई देना बंद हो गया है। ऐसे में आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। हेडफोन्स कैसे हमारे कान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितने समय तक हेडफोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी वॉल्यूम पर गाने सुनने चाहिए, ये सभी जानकारी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको देने वाले हैं। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। साथियों, हेडफोन्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपने अभी भी हेडफोन्स यूज करना कम नहीं किया तो आपको भी अलका याग्निक की तरह सुनाई देना बंद हो सकता है। 90 के दशक की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर एक रेयर न्यूरो डिसऑर्डर की वजह से सुन नहीं पा रही हैं। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट का क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको एक दिन में यानी 24 घंटों में 15 से 20 मिनट से ज्यादा हेडफोन्स का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा हेडफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी सुनने की क्षमता पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। अलका याग्निक ने भी लोगों को हेडफोन्स और लाउड म्यूजिक को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आप कम समय के लिए भी हेडफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि वॉल्यूम का खास ध्यान रखा जाए। साथियों, हेडफोन्स का इस्तेमाल करते समय आपको वॉल्यूम का ध्यान रखना नहीं भूलना चाहिए। आपको साउंड लेवल को 60 से 85 डेसिबल्स के बीच में ही रखना चाहिए। इससे ज्यादा वॉल्यूम रखने से आपकी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खो सकती है। अगर आप अपनी हियरिंग पावर को खोना नहीं चाहते हैं तो आपको इन चेतावनियों को फॉलो करने में कोई चूक नहीं करनी है। साथियों, अगर आप ईयरबड्स या फिर हेडफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हेडफोन्स के अलावा लाउड स्पीकर्स भी आपके कानों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। पार्टी में अक्सर लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पार्टी में लाउड म्यूजिक चलने की वजह से आपके सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है। पल भर के एंजॉयमेंट के चक्कर में आपको जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ सकता है, इसलिए आपको समय रहते ही संभल जाना चाहिए। साथियों, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में रहकर किया जाए तभी वो फायदेमंद रहती है। जैसे ही आप टेक्नोलॉजी को ओवर यूज करना शुरू कर देंगे, आपकी सेहत को आज नहीं तो कल इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। साथियों, टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव से अलका जैसी मशहूर गायक भी नहीं बच पाई। ऐसे में अगर आप भी ज्यादा हेडफोन्स या ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।